वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फिर गाइस आज के सारे वीडियो पे हम बनाने वाले हैं बैग 9H लोकोमोटिव का अंडर फ्रेम सेक्शन। तो इस सारे वीडियो में हमने अंडर फ्रेम सेक्शन को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी है, पर गाइस अभी के लिए इसके अंदर कपलर्स अभी नहीं हमने बनाए हैं, तो कपलर्स भी देखेंगे गाइस बाद में बनाएंगे, बट जब तक के लिए हमने अंडर फ्रेम सेक्शन पूरा कम्प्लीट कर दिया है। इसके बाद गाइस बस थोड़े कपलिंग मोड वगैरह रह गए तो मैं बाद में कम्प्लीट करूंगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एचओ स्केल में गाइस एचओ स्केल का मतलब थोड़ा सा दिक्कत आएगा कपलिंग मोड वगैरह में, बट उसे भी कम्प्लीट करेंगे थोड़े दिनों के बाद। जब तक के लिए मैं आपको बता दूं गाइस इसके अंदर हमने इसके अंदर मोटर सेक्शन वगैरह सब इनबिल्ट कर दिया है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे N20 गियर मोटर यूज करने वाला हूँ, और ये वाला जो गियर मोटर होता है गाइस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टॉर्क होता है, क्योंकि गाइस ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह बनाने में यूज होता है, और हमें तो मतलब इसके अंदर नॉर्मल मोटर लगाना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे गाइस गियर मोटर लगाया है, जिससे कि इसकी गाइस टॉर्क बहुत ज्यादा होने वाली है और बहुत ज्यादा कोच इसको ये अपने साथ खींच भी सकता है, और इसका वजन भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो फिर जब तक के लिए आप वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच कर लेना। तो फिर मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद, इसे कैसे बनाना है तो फिर मिलते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा ले लेता हूँ, और जिसकी गाइस लेंथ होने वाली है 23.5 सेंटीमीटर, तो ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा होगा, और विड्थ होगी गाइस यहाँ पे हमने 3.5 सेंटीमीटर ली है, और गाइस थोड़ा सा ही एचओ स्केल से थोड़ा सा मैंने साइज बड़ा रखा है, क्योंकि गाइस बहुत कुछ इसके अंदर फिट करना था मेरे को, तो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर मेरे को इसका बढ़ाना पड़ा, और इस तरह से मेरे को 1 mm बढ़ाना पड़ा, बट कोई बात नहीं, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो 3.5 सेंटीमीटर का एक इस हिसाब से एक और पीवीसी का टुकड़ा लिया है, और उसके ऊपर एक मैंने स्क्वायर टाइप का कट कर दिया, जिसके अंदर से हम कपलर्स बाहर निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको भी ऐसे कट कर लेना, और उसकी जो गाइस विड्थ होने वाली है 1.5 सेंटीमीटर है, और लेंथ है गाइस 3.5 सेंटीमीटर, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर आपको लगा देना है, मतलब एकदम एंड में, तो आपको इस हिसाब से अच्छे से लगा देना है। गाइस ये मैंने लगा दिया इस हिसाब से, ऐसे ही हम दूसरा भी लगा लेंगे। तो गाइस मैंने दोनों तरफ लगा लिया है, तो गाइस आपको भी इसे इसी हिसाब से लगा लेना है। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एक और पीवीसी का पाइप का टुकड़ा ले लेता हूँ, इसका गाइस लेंथ होने वाला 1.5 सेंटीमीटर, और विड्थ होने वाली है गाइस 5 mm, मतलब 0.5 mm, मैं 0.5 mm नहीं, मतलब 5 mm है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस हिसाब से साइड में इसे लगा देना है इस हिसाब से। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस अभी मैं बता देता हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हमने। तो गाइस अब आपको एक और पीवीसी का टुकड़ा ले लेना है, और इसे मैंने गाइस घर घर से कुछ इस हिसाब से ट्रायंगल टाइप का बना लिया है, क्योंकि गाइस 3 mm के पीवीसी का पाइप का ही बनाया है, तो कुछ इस हिसाब से आपको भी मतलब एक ट्रायंगल टाइप का बना लेना घर घर के। ये गाइस मैंने एंगल ग्राइंडर पे करा था, और आप इसे सैंड पेपर की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन सैंड पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता, तो मैंने एंगल ग्राइंडर से ही इसको जल्दी जल्दी कर लिया। तो गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं एक 5 mm का पेपर का स्ट्रिप ले रहा हूँ, क्योंकि 8 सेंटीमीटर का, और एक जेल पेन के रिफिल के ऊपर इसे मैं अच्छे से लपेट लूँगा। तो ये कुछ इस हिसाब से दिख रहा है गाइस, आपको भी इस हिसाब से ले लेना है, और इसे मैंने इसके ऊपर चिपका भी दिया है, और 0.5 सेंटीमीटर इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके काट लेना है। तो ये कुछ इस हिसाब से उसके गाइस मैंने यहाँ पे एक आगे की तरफ पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा सा गोल टुकड़ा लगा दिया है, आपको भी इस हिसाब से लगा लेना है, जिससे कि ये गाइस बफर की तरह लग रहा है, और उसके ऊपर गाइस मैंने मार्किंग कर लिया है, तो मार्किंग के हिसाब से मैं इस बफर को लगा भी दूंगा। तो मैं जल्दी से इस बफर को लगा देता हूँ। तो गाइस ये बफर भी लग चुका है, तो गाइस कितना मस्त लग रहा है ना। तो प्लीज़ यार इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स लाने वाला हूँ अब इस चैनल पे, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसका गाइस यहाँ पे मैंने एक 6.5 सेंटीमीटर का पीवीसी का पाइप लिया है, और साइड में मैंने कुछ इस हिसाब से काट दिया, मतलब कि घस दिया, जिससे कि एक मतलब कि सॉफ्ट वाला पोर्शन हो जाएगा, और इस 6.5 सेंटीमीटर वाले को मैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पर ला करके चिपका दूंगा।
तो यहाँ पे लाइन मैंने मार्किंग भी कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। इसी मार्किंग को अच्छे से चिपका देना आपको भी, तो ये कुछ उपलब्ध हो चुके हैं। ऐसे गाइस इसके ऊपर एक और दूसरा टाइप का हमने बनाया जो कि इससे छोटा है गाइस, तो वही ले लेना आपको, ठीक है। और उसको भी मैंने मार्किंग लगा दिया, तो इसको भी यहाँ पे कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। तो वैसे यहाँ पे लग चुका कुछ इस हिसाब से, आपको भी इस हिसाब से लगा लेना है। गाइस देखो टेढ़ा हो गया है, तो मैं इसे दोबारा चेंज कर दूंगा बाद में। उसके बाद गाइस यहाँ पे 1 mm के PVC का पाइप के ऊपर मैंने कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन किया है, और इसे मैं इसके ऊपर एक पाइप लपेट दूंगा कुछ इस हिसाब से, जो कि 2.5 cm इसकी विड्थ है, और जितना लपेट सकते हो उतना ले सकते हो आप। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारे ये एक ट्रांसफॉर्मर बॉक्स बोलते हैं इसे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बॉक्स बन चुका है। तो ये कुछ इस हिसाब से नीचे की तरफ लगा दूंगा मैं, तो आपको भी इस हिसाब से लगा लेना है, बीचों बीच करके लगाना है गाइस, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो गाइस ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है ये ट्रांसफॉर्मर बॉक्स भी। तो गाइस यहाँ पे अभी एक डिज़ाइनिंग रहता है, तो वही डिज़ाइनिंग को मैं देने के लिए कुछ इस हिसाब से मैंने डिज़ाइन लगा दिया इसके ऊपर, तो आपको भी इस हिसाब से लगा लेना। थोड़ा सा गाइस टेढ़े में भी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने PVC पाइप का ही बना के लगाया है। गाइस हर एक चीज़ की मैं कटिंग करके दिखाऊंगा, तो गाइस वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी। उसका गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे इसके ऊपर डिज़ाइन था तो कुछ इस हिसाब से मैं थोड़ा सा टेढ़ा इसको कट कर दिया। तो गाइस अब सामने की तरफ से भी हल्का सा एक घुमा हुआ था, तो मैंने सामने की तरफ से भी अभी घुमा दूंगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से एक छोटे छोटे PVC पाइप के टुकड़े ले लेता हूँ, और ये हमारा गाइस बैटरी बॉक्स बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 mm का गाइस PVC पाइप है, तो 4 लगाए हैं, तो मतलब 1 cm का हो गया। तो गाइस इसकी फिनिशिंग करने के बाद कुछ इस हिसाब से मैंने छोटे छोटे PVC के पाइप और लगा दिया है इसके ऊपर, जिससे कि थोड़ी सी डिटेलिंग और लगे। तो ये कुछ इस हिसाब से 2 पीस आपको बना लेना है, और ये गाइस हमारे बैटरी बॉक्स का है, तो अभी हम इसे साइड कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफॉर्मर बनाया है, ठीक है, जो कि जेल पेन के इंक और उसके ऊपर पेपर पेस्ट कर, और कुछ कॉपर वायर है, और यहाँ पे जेल पेन की रिफिल का यूज़ करके मैंने कुछ इस हिसाब से ट्रांसफॉर्मर टाइप, ट्रांसफॉर्मर नहीं है, जो भी क्या कंप्रेसर बोलते हैं गाइस इसे, ठीक है, कुछ इस हिसाब से ये यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से डिटेलिंग वगैरह करके लगा लेना गाइस। सॉरी गाइस इसका वीडियो भी मैं बनाता तो वैसी गाइस ये 16 मिनट का वीडियो है, अगर इसका भी बनाता तो गाइस पता नहीं 20-25 मिनट का वीडियो हो जाता। अभी गाइस ट्रांसफॉर्मर बॉक्स अभी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर मेरे को सिल्वर कलर पेंट करना है, तो अभी के लिए इसको साइड कर दें, अभी तो इसे नहीं लगाना है, ठीक है, दोनों को ही नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर सिल्वर पेंट होगा और बाकी सबके ऊपर ग्रे पेंट। तो गाइस ये बोगी ले लेना है आपको, ठीक है, ये बोगी आपने देखी होगी पिछले वाले वीडियो में। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके होल है, तो इस जो बेस है बेस के ऊपर भी मैं इसके हिसाब से होल कर दूंगा, जिससे कि हम इसके अंदर मोटर लगा सकें। और गाइस आपको इतना होल करना है कि ये जो हमारा बोगी है फ्री मूवेबल हो, तो ये कुछ इस हिसाब से आपको ले लेना है। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हो एकदम बढ़िया वर्क कर रहे हैं ना ये बोगी, तो आपको भी इस हिसाब से कर लेना है। तो बस यही है, ठीक है, ये हमारा बोगी का लग गया, तो अब इसके अंदर हम मोटर भी लगाएंगे। उसका गाइस ये कुछ इस हिसाब से 2 पाइप के टुकड़े ले लिए हैं। उसका गाइस ये जो पाइप का टुकड़ा है इस हिसाब से डिज़ाइन का कर रहा है, जैसे कि ये 2 स्प्रिंग के अंदर लग जाए, और इसे मैं यहाँ पे चिपका भी दूँ, तो आपको भी इस हिसाब से चिपका लेना है। और उससे पहले इसके हम बीचों बीच यहाँ पर कुछ इस हिसाब से मैंने चिपका लिया और एक होल भी कर दिया है। अब हम गाइस इसके अंदर एक स्क्रू लगाएंगे, ठीक है, एक स्क्रू लगा देते हैं पहले, ठीक है, तो आपको भी इस हिसाब से स्क्रू लगा लेना है इसके अंदर। तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत आएगा बट करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं अपने हिसाब से मतलब मार्किंग रख लूँगा इसकी, और नीचे वाले जो पाइप है हम उसे चिपका देंगे इसके ऊपर ही। तो गाइस ये कुछ इस हिसाब से चिपक चुका है। तो गाइस अब आप इसका नट बोल्ट खोलोगे तो ये बाहर भी निकल सकता है, मतलब ये ओपनेबल बोगी बनने वाला है, तो ये ओपनेबल है, तो कुछ इस हिसाब से थोड़ा सा घट के मैंने एकदम इको साइज का कर लिया है। तो गाइस इसमें अभी इतना ही है,
ठीक है। तो अभी इसकी बारी है पेंट करने की, ठीक है। तो पेंट भी करने, ये जो गाइस जो दो बॉक्स देख रहे होंगे बैटरी बॉक्स, इसके ऊपर मैं सिल्वर पेंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि स्प्रे पेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो सारे स्प्रे पेंट से ही करूंगा। और बाकी गाइस जो भी दिख रहा है आपको गाइस, यहाँ पे मैं लाइट स्प्रे पेंट का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी स्प्रे पेंट है, तो सबके ऊपर मैं एक पेंट कर दूंगा। जब तक के लिए गाइस मैंने पेंट करके उसको कुछ के लिए छोड़ दिया है, तो गाइस यहाँ पे जब तक के लिए मैं एक N20 गियर मोटर ले लेता हूँ, ठीक है, तो आपको भी ले लेना है। उसका गाइस ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि इसे कैसे बनाना है, जो कि मोटर के साथ लगा था, इसको घुमाएंगे तो गाइस हमारे व्हील्स भी घूमेंगे। तो अब इसके हिसाब से हमें होल भी कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ इसे होल करने के लिए, क्योंकि गाइस 3 mm का ड्रिल बिट है ये, तो कुछ इस हिसाब से होल करने के बाद इसे मैंने अच्छे से इसके अंदर ठोक दिया है, जिससे कि गाइस क्या होगा कि अच्छे से ये चिपका रहेगा। तो ये गाइस कुछ इस हिसाब से घूमता भी है और गाइस बहुत बढ़िया टॉर्क मिलने वाला है इसके साथ। तो इसके साथ गाइस मैं बाद में देखूंगा वायर भी कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसका गाइस जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होगे, जैसे हम इस मोटर को घुमा रहे हैं तो ये व्हील्स भी घूम रहे हैं। तो गाइस आप बोलोगे तो हम मोटर को घुमा रहे हैं, गाइस अभी मोटर ही घुमा रहे हैं, जब मोटर घूमेगा तो मतलब कि अभी तो हम मोटर को घुमा रहे हैं, लेकिन ये मोटर खुद घूमता है, ठीक है। तो जब हम बैटरी देंगे तो ये खुद घूमेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस इसके अंदर भी हमने सिल्वर पेंट कर दिया था, तो सिल्वर पेंट भी हट चुका है। सो गाइस अब मैं ये बैटरी बॉक्स जो है हमारा, उसको भी हम चिपका लेंगे, कुछ इस हिसाब से दिख रहा है गाइस सिल्वर पेंट करने के बाद। तो इसे भी मैं अच्छे से चिपका लूँगा यहीं पे। और गाइस आपने ये जरूर देखा होगा कि अपोजिट अपोजिट में लगा हुआ है, ठीक है, जबकि ट्रांसफॉर्मर भी, ट्रांसफॉर्मर नहीं, बैटरी बॉक्स देख सकते हो, कंप्रेसर देख सकते हो, मतलब कि अपोजिट में है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये बेस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा दिख रहा है ये हमारा बेस वाला सेक्शन। उसका गाइस हम इस बोगी को भी लगा देंगे, ठीक है, ये तो गाइस ऐसे ही लग जाएगी, ठीक है। उसका N20 गेम होते जैसे कि देख लोगे एकदम बढ़िया वर्क करता है गाइस, अच्छे से मैंने इसे चिपकाया गाइस एल्फी डाल के, जैसे कि ये टूटे ना, और अभी भी ये घूम रहा है। तो कुछ इस हिसाब से ये हमारा वर्क करता है। तो गाइस जैसे ही हम इसके नीचे डालेंगे, तो उसके बाद गाइस क्या होगा कि हम इसके अंदर हम मोटर को लगा सकते हैं, जिससे कि ये घूमेगा। जैसे कि देख रहे हो हम इसे घुमाए तो ये हमारा बोगी भी घूम रहा है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट पर जरूर बता देना, ठीक है। और अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना, और बेल नोटिफिकेशन की सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर आके सेट कर देना, जिससे कि अगली वीडियो कोई भी आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो क्या गाइस यहाँ पे मैंने एक स्क्रू लेके इसे चिपका दिया है। तो गाइस हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है गाइस, बोगी मतलब बोगी नहीं, अंडर फ्रेम सेक्शन जितना हो सकता है कम्प्लीट हो चुका है। तो गाइस आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी हमने बहुत कुछ अभी लगाना है छोटे मोटे डिटेलिंग, जैसे कि कपलिंग रोड हो गए, कपलर्स हो गए, वो भी मैंने नहीं लगाया इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा सा छोटा डिटेलिंग था। उसका गाइस यहाँ पे मैंने 2 पिन वाला कनेक्टर लेके इस मोटर के ऊपर लगा दिया, कुछ इस हिसाब से आपको भी लगा लेना है। और ये गाइस कुछ इस हिसाब से यहाँ पे ये लग जाता है इसके ऊपर। ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पर लग जाता है। तो गाइस ये कुछ इस हिसाब से हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि देख रहे होगे हमारा नीचे से व्हील भी घूम रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे अंडर फ्रेम सेक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और गाइस जैसे कि देख रहे होगे ये मुड़ता भी है, तो हमारे को कर्व ट्रैक में इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये अंडर फ्रेम सेक्शन कम्प्लीट हो गया है। तो अभी मैं इसको ट्रैक के ऊपर मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। कुछ इस हिसाब से हमारा ट्रैक के ऊपर रख लिया है, तो आपको भी इस हिसाब से रख लेना है। और गाइस जैसे कि देख रहे हो एकदम बढ़िया स्मूथली वर्क कर रहा है ना। अभी गाइस ज़्यादा ट्रैक मेरे पास नहीं है, तो अभी चिपका चिपका के मतलब लंबा ट्रैक नहीं बनाया है, बट जितना है उतने के ऊपर तो अभी स्मूथ रन कर रहा है। आगे आने वाले वीडियो में मैं इसका और भी ज़्यादा ट्रैक्स बना लूँगा, जिससे कि हम इसके ऊपर पूरा ट्रेन का टेस्टिंग करेंगे। तो जब तक के लिए ये इस वाले वीडियो में इतना ही था। तो आप वीडियो को भी देख लो, कुछ आपको बात बतानी है तो अभी मैं बता दूंगा।
तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। तो अगला वीडियो भी जल्दी आने वाला है गाइज, एक सरप्राइज है अगला वीडियो, ठीक है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ये अलग टाइप का लोकोमोटिव है, अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा ये क्यों अलग टाइप का लोकोमोटिव होने वाला है, क्योंकि गाइज एच स्केल में इस हिसाब से जो मैं बना रहा हूँ वो अभी भी किसी ने नहीं बनाया, हम इसको अलग टाइप से डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप इसमें से कुछ पहचान सकते हो तो पहचान लो, वरना मैंने यही पे रख रखा है, पहचान सकते हो तो पहचान लो, ठीक है। कि अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा क्या है ये चीज, थोड़ा बहुत मैंने इसका कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे इसे पूरा कैसे बनाना है। तो फिर बस इस वाले वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।